मेरे भाई इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आप लोग को पता होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो कि मैच चल रहा था, ये जो मैच था दोस्त बहुत दिनों के बाद आया था, लेकिन हमारा देश मुकाम पे 10-10 टीम को हरा करके, 10 कंट्रीज को हरा करके पर लास्ट कंट्रीज तक ऑस्ट्रेलिया से खेले, लेकिन ये भी मैच हार गए मेरे दोस्त। खैर कोई बात नहीं, हम भारतीय हैं जनाब, अपनी जीत को पाने के लिए नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना मुझसे वक्त करा ले, लेकिन वक्त को इस धरती पर से नहीं मिटने देंगे। दोस्त मैंने भी सोचा था मेरा इंडिया जीतेगा, लेकिन यार कैसे हो गया मुझे पता नहीं, कुछ तो ऑस्ट्रेलिया जरूर किए होंगे। मैं भी सोचता था हर राउंड, लेकिन कभी मैच नहीं देखता, लेकिन मैंने लास्ट अपनी मैच को जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया युद्ध मैच चल रहा था उस दिन मैं भी मैच देखा था, लेकिन आँख से आंसू आ गया। एक मुझे क्या, पूरे इंडिया इंडियन जितने भी नागरिक है ना मेरे भाई, सबके आंख में रौनक, छठ माई के दया दृष्टि सबके आंखों में भरा हुआ था, लेकिन छठ पर्व से अधिक मैं भी मैच देखने के लिए बैठ गया था। मैंने सोचा था कितने दिनों बाद आएंगे, लेकिन हर साल तो छठ माई के अगर महिमा हो गई तो मैच जीतेंगे। दोस्त क्या कहूँ, अभी जब इंस्टाग्राम फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के देखते हैं मेरे भाई, आंख में आंसू आ जाता है। हमेशा वही वीडियो, एक ही वीडियो, रोहित शर्मा भाई, विराट कोहली जी भाई, ये सब जो भाई है ना यार, इतना धुन धुन के खेले लेकिन फिर भी मौका हम नहीं मिला। लेकिन हम भारतीय हैं जनाब, हमारे देश के जो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अपने विराट कोहली भाई को, रोहित शर्मा भाई को बहुत सारा आशा विश्वास दिए ताकि इसी तरह खेले, कोई गलती नहीं हुई है, अच्छा से खेले हैं, लेकिन वो भी अच्छा तरह सलाह दिए। लेकिन मेरे भाई एक ही रिजल्ट आता है यार, जब इंडिया हार जाता है मेरे भाई, इतना दिल में दुख आता है कहने के बात नहीं। मेरे भाई इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यार इंस्टाग्राम जब फेसबुक चलाता हूँ मेरे भाई, जब जब खोलता हूँ तब तब यही वीडियो आता है मेरे भाई, जो भी संतुष्टि है मेरे भाई, मैं दिल को छूने वाला इंडिया मेरे भाई एक ना एक दिन फिर आएगा मेरे भाई, कभी भी मत आना। अगर इंडियन आपसे हो तो प्लीज आप, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग विराट कोहली सर, रोहित शर्मा सर, किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी से आप प्यार करते हैं, तो आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे भाई। अगर इस तरह की वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक दबा देना मेरे भाई। मुझे लगता है कि अगला फाइनल मैच में विराट कोहली भाई, रोहित शर्मा भाई, जो भी है मेरे भाई, ये फिर भी रिटायर कर जाएंगे, अगली मैच में ये लोग नहीं रहेंगे हमें पता है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप पहले पूर्व चलिए, यानी पहले का यानी बाद में, सॉरी बाद में देखिए, धोनी से भाई हुआ, सचिन तेंदुलकर भाई हुआ, ये लोग जो खेलने वाले खिलाड़ी थे मेरे भाई रिटायर कर चुके हैं, अब ये लोग मैच नहीं खेल पा रहे हैं और इसकी उम्र भी हो चुका है। लेकिन मेरे भाई क्या करेंगे, हमें आसानी विश्वास है कि ये दोनों भाई भी एज के अनुसार छट जाएंगे, पता नहीं अगला टीम आए, अगले भाई मैच बनाएंगे तो फिर भी जीतेंगे या नई खिलाड़ी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए मेरे भाई, हम भारतीय हैं जनाब, किसी भी फिर से लाल झंडा उठाएंगे, फिर से लड़ने के लिए तैनात हो जाएंगे मेरे भाई। फिर से ये वीडियो भी देख लीजिए मेरे भाई, जो आप लोग को आप लोगों के सामने स्क्रीन पे इस वीडियो चल रहा है, ये देखिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से सहयोग कर रहे हैं हमारे इंडियन खिलाड़ी को। यार भारत का नंबर वन क्रिकेट है मेरे भाई खेल। दोस्तों इस वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि ये एक मिनट का वीडियो होने वाला है और इसमें से हमारे भारतीय श्री नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भाई साहब को किस तरह समझा रहे हैं कि आप अच्छी तरह से खेला लिए, एक मिनट का वीडियो है, प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। देखिए मेरे भाई हमारे भारतीय भारत के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है, मैंने सोचा मिल लू कर सबको। होता है। फाइनली दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों इस तरह का वीडियोस इस तरह से रिलेटेड आप लोग के लिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों यार अगर आप भारतीय हो, अगर विराट कोहली सर से
रोहित शर्मा से प्यार करते हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो दोस्तों मिलता है अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने क्रिकेट को सलाह देते रहिए, अच्छी तरह से मजा लूटते रहिए। चलिए कहे कि भारत के नंबर वन खिलाड़ी जो है, क्रिकेट खिलाड़ी सब, विराट कोहली भाई जितने भी अच्छी तरह से मेहनत किए लेकिन मौका नहीं मिले, तो खैर कोई बात नहीं, फिर आएगा 5 साल के बाद ऐसा दिन, यार एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं वक्त को भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, इसलिए हमारा जिद कभी हार नहीं मानेगा, और इसी तरह से हार नहीं मान करके दोस्तों आप लोग एक मंजिल आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, हमारा वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, तो चलिए फाइनली वीडियो करते हैं एंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलता है, बाय बाय मेरे भाई, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जागो इंडिया, बढ़ो इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। तेरी झलक शर्फी श्रीवर।